नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आयुष श्रीवास्तव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम क्लास सिक्स हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यू क्वेश्चन एंड आइडियाज़। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसमें हम बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। देखिए, चैप्टर कहाँ से स्टार्ट हुआ है? सिद्धार्थ, द स्टोरी ऑफ बुद्धा। सिद्धार्थ कौन थे? जो महात्मा बुद्ध जिनको कहा जाता है, गौतम बुद्ध थे, उनका नाम था सिद्धार्थ। इनको गौतम के नाम से जाना जाता था। ये कौन थे? ये फाउंडर थे किसके? बुद्धिज़्म के। ठीक है, ये फाउंडर थे किसके? बुद्धिज़्म के। तो ये कब का समय है? ये 568 BC का समय है, लगभग आज से 2500 साल पहले। ठीक है, और बुद्धा जो बॉर्न हुए थे वो कहाँ पर हुए थे? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में ये बॉर्न हुए थे, लुम्बिनी। ठीक है ना, ये लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे और ये लुम्बिनी में बॉर्न हुए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस वॉज अ टाइम ऑफ रैपिड चेंज इन दी लिप्स ऑफ द पीपल। ये वो समय था जब लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आए। जैसे अलग अलग महाजनपदास जो थी वो पावरफुल होती गई, न्यू सिटीज़ डेवलप हुई। ठीक है, लाइफ वॉज चेंजिंग इन दी विलेजेस, लाइफ भी चेंज हो रही थी विलेजेस में। मैनी थिंकर्स वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस चेंजेस इन सोसाइटी। और बहुत सारे थिंकर्स ने इन चेंजेस को जानने के लिए, इनके बारे में स्टडी करने के लिए, इनको समझने की कोशिश की। दे ऑल्सो वॉन्टेड टू ट्राई एंड फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। और वो ये भी जानना चाहते थे कि लाइफ का पर्पस क्या है, क्या मीनिंग है लाइफ का, जो ट्रू मीनिंग है वो क्या है। ठीक है, द बुद्धा बिलोंग टू ए स्मॉल गन। अब हमने पिछले चैप्टर में गण और संघ के बारे में पढ़ा था। तो गण क्या होते हैं? गण मीन्स ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ पीपल को गण बोलते हैं। तो एक बुद्धा जो थे वो एक गण से बिलोंग करते थे जिसका नाम है शाक्य गण। शाक्य गण से बिलोंग करते थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आ सकता है कि बुद्धा किस गण से बिलोंग करते थे। तो शाक्य गण से बिलोंग करते थे और ये एक क्षत्रिय थे। ठीक है, व्हेन ही वॉज यंग। अब देखो, इनके पीछे ना एक कहानी है। क्या हुआ था कि जब इनका जन्म हुआ था तो जो एक प्रीस्ट या एक पंडित थे उन्होंने पहले ही कह दिया था इनके पिताजी से कि भाई ये जब बड़ा होगा तो बड़ा होकर ये साधु बनेगा। तो इस डर की वजह से इनके जो पिताजी थे उन्होंने इनको अपने घर में ही रखा, ज़्यादा बाहर नहीं निकलने दिया, ज़्यादा क्या बिल्कुल ही नहीं निकलने दिया। तो ये क्या है, लोगों से इंटरेक्ट नहीं हो पाए बचपन में। इन्होंने इंटरेक्शन ही नहीं किया लोगों से, ना लोगों की परेशानियां जानी, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लोगों को अपनी लाइफ में। ये अपने ऐशो आराम में जी रहे थे। और लेकिन एक दिन क्या हुआ कि इन्हें ना बाहर देखने जाना था, महल के बाहर क्या है, इनका जो राज्य है वहाँ पर, उसके बाहर भी कुछ दुनिया है या नहीं है, क्योंकि ये तो निकले नहीं थे, क्योंकि इनको सारी चीज़ें वहीं पर दे दी जाती थी इनके महल में। तो फिर जब ये बाहर गए तब इन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी जो इनको भावुक कर गई और इनको इमोशनल कर गई, क्योंकि इन्होंने जब देखा कि लोगों की लाइफ में कितनी सारी परेशानियाँ हैं तो ये थोड़ा सा इमोशनल हो गए। तो इन्होंने फिर ये सब जो राजपाट है अपना छोड़ने का तय कर लिया। इन्होंने सोचा कि अब जब लोगों की लाइफ में इतनी परेशानियाँ हैं तो मुझे इसका कारण ढूंढना चाहिए कि लाइफ क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है, लाइफ का पर्पस क्या है। तो फिर ये जब उन्होंने घर छोड़ा तो ये सेल्फ़ रियलाइजेशन के लिए इन्होंने बहुत दिनों तक मेडिटेशन किया। वैसे तो ये इससे पहले, मेडिटेशन करने से पहले, बहुत सारे लोगों से मिले, बहुत सारे थिंकर्स से मिले, जो बहुत सारे इनके गुरु थे, गुरु नहीं कह सकते, पर उनको ना कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाया। किसी ने कुछ बताया लाइफ के बारे में, किसी ने कुछ बताया, लेकिन इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने क्या कि अब मैं खुद ही अपना रास्ता तय करूँगा। तो ये अपने मेडिटेशन करने के लिए चले गए। तो इन्होंने बोधगया में एक पीपल ट्री के नीचे, बिहार में जो बोधगया है वहाँ पर एक पीपल ट्री के नीचे, यहाँ पर इन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्धा, और इसके बाद ही ये बुद्धा कहलाए। बुद्धा मीन्स द वाइस वन। ही देन वेंट टू सारनाथ, और ये जब सारनाथ गए, वाराणसी के पास सारनाथ है, वहाँ पर जब गए तो इन्होंने अपनी पहली टीचिंग सारनाथ में दी। वहाँ पर सारनाथ में इनका एक क्या नाम है वो भी है, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो इन्होंने पहली टीचिंग दी और ये फिर उसके बाद इन्होंने लगातार ये ट्रैवल करते रहे, एक जगह से दूसरी जगह जाते और वहाँ पर लोगों को टीचिंग्स देते। और फाइनली जब ये
ये कुशीनगर में इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज़ फुल ऑफ सफरिंग। अच्छा, इनका मानना क्या था, ये बुद्धा गौतम बुद्ध जो वो ये मानते थे कि ना लाइफ जो है बहुत ही ज़्यादा संघर्षों से भरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा परेशानियों से भरी हुई है, और इसका कारण सिर्फ एक ही है कि हमारे जो डिज़ायर्स हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, वो इसका कारण है, जो कि कभी फुलफ़िल नहीं होती। अगर सपोज़ करो एक इच्छा पूरी भी हो गई, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बाद में दूसरी इच्छा नहीं उठेगी। जैसे अगर आपको सपोज़ करो आईफोन चाहिए, है ना, और आईफोन चाहिए तो आपने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके आईफोन ले लिया, लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि आईफोन के बाद आप सेटिस्फाई हो जाओगे? क्योंकि मोबाइल तो आए दिन निकलते रहते हैं, नए नए न्यू न्यू मोबाइल्स आते रहते हैं मार्केट में, तो आपका फिर मन मतलब डगमगाएगा थोड़े दिनों बाद। तो इच्छाएं जो है कभी भी क्या नहीं होती, फुलफ़िल नहीं होती। तो इनका मानना ये था। बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज अ थर्स्ट और तन्हा। ही टॉट दैट दिस कॉन्स्टेंट क्रेविंग कुड बी रिमूव्ड बाई फॉलोइंग मॉडरेशन इन एवरीथिंग। अब देखो, ये एक स्तूप है सारनाथ में, जहाँ पर बुद्धा ने अपनी पहली टीचिंग्स दी। ये स्तूप है, ठीक है ना, ये वाला। ही ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड। और ये लोगों को सिखाते थे कि हमें काइंड रहना चाहिए, हमें दयालु रहना चाहिए लोगों के प्रति, और रिस्पेक्ट करनी चाहिए सभी की, चाहे वो कोई भी हो, और इंक्लूडिंग एनिमल्स। ही बिलीव दैट द रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन, वेदर गुड और बैड, अफेक्ट अस इन बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। और इनका ये भी मानना था कि जो हमारे कर्म हैं, जो हमारे एक्शन हैं, जो भी हम कार्य करते हैं, वो हमारी दोनों लाइफ को अफेक्ट करते हैं, चाहे वो बुरे कर्म हो या अच्छे कर्म हो, वो दोनों ही लाइफ को अफेक्ट करते हैं, इस वाली को भी और जो अगर नेक्स्ट जो लाइफ है उसको। तो इसका मतलब ये है कि बुद्धा का मानना ये था कि शायद इस लाइफ के बाद भी कुछ और दुनिया होती होगी। द बुद्धा टॉट इन दिस लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। बुद्धा जो अपनी टीचिंग्स देते थे वो किस लैंग्वेज में दिया करते थे? वो दिया करते थे ऑर्डिनरी लैंग्वेज में, या फिर प्रकृत लैंग्वेज में दिया करते थे, जिससे कि जो है लोगों को, सभी लोगों को अच्छे से समझ में आए। आगे देखिए, तो ये स्टोरी है किस्सा गौतमी की। इस स्टोरी में क्या है, किस्सा गौतमी एक वूमन, एक लेडी का नाम है। इस स्टोरी में क्या होता है कि जो किस्सा गौतमी है उनका जो सन है उनकी उसकी डेथ हो जाती है, तो वो जगह एक जगह से दूसरी जगह कहती चिल्लाती रहती हैं और रोती रहती हैं कि भाई मेरे बच्चे की जो है लड़के की जान बचा लो, मेरे बेटे की जान बचा लो, और उसको जो है वापस से मतलब उस ज़िंदा करने का वो कर लेती हैं, इनकी उसकी उसको ज़िंदा करने की इच्छा थी इनकी कि किसी भी तरह से ये जो है वापस से अपनी लाइफ में वापस आ जाए। तो एक व्यक्ति से जब ये मिलती हैं तो वो सलाह देता है कि भाई आप बुद्धा के पास चली जाओ। तब ये जब गौतम बुद्ध के पास आती हैं तो वो कहते हैं गौतम बुद्ध कि भाई मैं इसकी जान बचा तो लूँगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा, और वो काम ये है कि आपको मेरे लिए एक मुट्ठी सरसों के बीज लाने होंगे, मस्टर्ड सीड्स लाने होंगे, ठीक है, तब मैं इसकी लाइफ में वापस ले आऊँगा। तो किसा गौतमी जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती हैं, वो ये सोचती हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको एक मुट्ठी सरसों लाने में क्या दिक्कत है। तो वो सोचती हैं कि आसान सा काम है तो चलो कर देती हूँ, लेकिन क्या होता है कि बुद्धा इतने समझदार व्यक्ति थे, वो ऐसे तो करेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या सोचा, एक कहानी में इन्होंने ट्विस्ट ला दिया और उन्होंने कहा कि आपको मस्टर्ड सीड्स तो लाने हैं एक मुट्ठी, लेकिन ऐसे घर से लाने हैं जहाँ पर आज तक किसी की भी डेथ ना हुई हो। तो वो जब गई, ये लेडी जब जाती हैं घर घर, तो वो देखती हैं कि कोई ना कोई की तो हर एक घर में डेथ होती है, चाहे किसी के फादर की डेथ हो गई, किसी के ब्रदर की, किसी के सिस्टर की, किसी की मदर की, मतलब कोई ना कोई की डेथ हो ही जाती है। तो इससे वो ये समझ जाती हैं कि भाई लाइफ में कुछ भी, इस यूनिवर्स में कुछ भी परमानेंट नहीं है, किसी दिन सभी को जाना है, ठीक है। तो ये थी किस्सा गौतमी की स्टोरी। अब आगे पढ़ते हैं, अब उपनिषद के बारे में जानते हैं, उपनिषद क्या होते हैं। तो देखिए, अराउंड द टाइम दैट द बुद्धा वॉज प्रीचिंग एंड परहैप्स अ लिटिल अर्लियर, अदर थिंकर्स ऑल्सो ट्राइड फाइंड टू आंसर डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखिए, बुद्धा के समय या उससे थोड़ा सा पहले अगर हम चलें तो जो अदर थिंकर्स थे वो भी ट्राई कर रहे थे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन के लिए। तो उनमें से एक क्वेश्चन सबसे पॉपुलर था कि भाई कोई लाइफ, डेथ के बाद कोई लाइफ होती है या नहीं होती। और बहुत से थिंकर्स जो है वो जानना चाह रहे थे सेक्रीफाइसेस के बारे में, कि सेक्रीफाइस किस तरीके, क्यों हम सेक्रीफाइस परफॉर्म करते हैं, यज्ञ जो होते हैं वो क्यों होते हैं।
मैनी ऑफ दीज थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वॉज अ समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स दैट वुड लास्ट इवन आफ्टर डेथ. तो कुछ थिंकर्स ने ये कहा कि कुछ तो ऐसा इस यूनिवर्स में परमानेंट है जो कि आफ्टर डेथ भी रहता है, और उसको फिर नाम दिया आत्मा, इंडिविजुअल सोल, और एक और था ब्रह्मा, ब्रह्म यानी कि यूनिवर्सल सोल. तो ब्रह्म दे बिलीव्ड बोथ द आत्मा एंड ब्रह्म आर वन, और ये वो ये बिलीव करते थे कि जो ब्रह्म है और आत्मा है वो एक ही है. अपन भी कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा, अपन लोग भी कहते हैं कि आत्मा और परमात्मा जो है वो एक ही है, ठीक है. तो मैनी ऑफ देयर आइडियाज़ वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद. तो इनके जो आइडियाज़ हैं वो उपनिषद में रिकॉर्ड हैं. उपनिषद का मतलब क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है कि अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, या फिर ऐसा कोई टेक्स्ट जो कि जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो है कन्वर्सेशन दी रहती है, उसको हम उपनिषद कहते हैं. ऑफन आइडियाज़ वर प्रेजेंटेड थ्रू द सिंपल डायलॉग. इसमें जो है ना ज़्यादातर जो डायलॉग की फॉर्म में आइडियाज़ दिए रहते हैं. अब यहाँ पर एक चीज़ और दी है, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर ना दीज आर यहाँ पर सिक्स सिस्टम ऑफ फिलोसफी दी हुई है. तो देखिए, पहला सिस्टम है वैशासिका, फिर दूसरा है न्याय, फिर है समाख्या, फिर योगा, फिर पूर्व मीमांसा और वेदांता, और इसको हम उत्तर मीमांसा भी बोल रहे हैं. तो ये सिक्स जो हैं सिस्टम ऑफ फिलोसफी हैं, या आप पढ़ लेना. इनके जो रचयिता हैं या जिनको हम बोल सकते हैं जो इनके फाउंडर हैं, वो कौन है? कुनादा, गौतमा, कपिला, पतंजलि, जामिनी, व्यास, ठीक है. ये इनके क्या हैं? फाउंडर हैं. आगे देखते हैं. अब तो अब ये स्टोरी है वाइस वेगर की, इसमें होता क्या है? ये पहली बात तो ये स्टोरी कहाँ से ली गई है? चंदोग्य उपनिषद से ली गई है. इसमें दो सेजेस होते हैं, दो ऋषि होते हैं, सोनाक और अभिप्रत्रिन. सोनाका और अभिप्रत्रिन, ये दो सेजेस होते हैं जो कि यूनिवर्सल सोल की पूजा करते हैं, ब्रह्म की पूजा करते हैं, ब्रह्म को मानते हैं. एक दिन क्या होता है, ये एक दिन बैठे थे और कुछ खा रहे थे, तो वहीं पर एक बेगर आ जाता है, एक भिखारी आ जाता है, जो कि इनसे फूड के लिए कहता है कि भैया मुझे खाने के लिए दे दो. तो जो सोनाक होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम कुछ नहीं देंगे. तो बेगर कहता है, लर्नड सर्स, होम डू यू वर्शिप? तो वो कहते हैं, बेगर कहता है कि आप बताओ किसकी पूजा करते हो आप? तो अभिप्रत्रिन जो दूसरे ऋषि होते हैं वो कहते हैं कि यूनिवर्सल सोल की. तो बेगर कहता है, इट मीन्स दैट यू नो द यूनिवर्सल सोल फिल्स द एंटायर वर्ल्ड. तो इसका मतलब ये है कि आप ये जानते होगे कि यूनिवर्सल सोल है वो पूरे एंटायर वर्ल्ड में है. तो सेजेस कहते हैं, यस यस वी नो दैट, हम जानते हैं. तो बेगर कहता है, इफ़ द यूनिवर्सल सोल फिल्स द होल वर्ल्ड, इट फिल्स मी टू. वो ये कहता है कि भाई जब यूनिवर्सल सोल अगर पूरे ब्रह्मांड में है तो ये तो मुझमें भी होगी, और मुझमें ये सोल जब है तो आप मुझे मना कर रहे हो खाने के लिए, इसका मतलब ये है कि आप अपने ब्रह्म को मना कर रहे हो, है ना. तो फिर उनको कुछ समझ में आता है, फिर उसको वो खाने को शेयर करके खाते हैं उस बेगर के साथ, ठीक है. तो ये स्टोरी है. इसके बाद देखिए, मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मैन. ज़्यादातर जो उपनिषदिक थिंकर्स होते थे वो कौन होते थे? मैन होते थे, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास. ओकेजनली देयर इज़ मैंशन ऑफ वुमन थिंकर्स, और ज़्यादातर, और फिर उसके बाद कभी कभी वुमन थिंकर्स का भी हमें जिक्र देखने को मिल जाता है, ठीक है ना. और सबसे वो अगर मैं स्कॉलर की बात करूँ, थिंकर्स की बात करूँ, उपनिषदिक थिंकर्स की, तो उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा नाम आता है शंकराचार्य का, ठीक है. शंकर आचार्य ये बहुत ही जाने माने थिंकर है. और इनकी एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगती है वो ये है कि इन्होंने एक बार कहा था, जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम, इनके ये थॉट्स थे, ठीक है. जगत मिथ्यम और ब्रह्म सत्यम, ठीक. तो वुमन थिंकर्स की अगर हम बात करें, तो वुमन थिंकर्स में हमें एक गार्गी जो हैं, जो गार्गी हैं वो हमें देखने को मिल जाती है. इनका नाम बहुत फेमस है क्योंकि ये रॉयल कोर्ट्स में डिबेट में भी पार्टिसिपेट किया करती थी. पुअर पीपल रेयरली टुक पार्ट इन दीज डिस्कशन, ज़्यादातर जो पुअर पीपल थे वो रेयरली इन डिस्कशंस में पार्ट लिया करते थे. एक बहुत ही फेमस पुअर है जिन जो कि हैं सत्यकमा जबाला, और ये जबाला जो नाम पड़ा वो इनकी जो मॉम थी, इनकी जो मदर थी जबाली, उनसे पड़ा. ही हैड अ डीप डिज़ायर टू लर्न अबाउट रियलिटी, इनका बहुत ही ज़्यादा डीप डिज़ायर था रियलिटी के बारे में जानना, ठीक है ना. तो
वॉज एक्सेप्टेड बाय, और जब ये जानने, जब ये नॉलेज गेन करने के लिए जाते हैं तो एक ब्राह्मण टीचर है वो इनको, ब्राह्मण टीचर जिनका नाम गौतम था। अब गौतम वो बुद्ध, गौतम बुद्ध नहीं है, गौतम ये अलग है, ठीक है ना, ये गौतम अलग है। और ये जो है उसके उस ज़माने के बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस होते, तो उन्होंने इनको एक्सेप्ट किया ब्राह्मण टीचर ने। उपनिषद वर लेटर डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य, आ गया ना ये नाम शंकराचार्य, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अब देखो ये क्या है, पनिनी ग्रामर इन दिस वॉज ऑल्सो द टाइम वैन अदर स्कॉलर्स वर एट वर्क, वन ऑफ द फेमस वॉज पनिनी हु प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। पनिनी एक वो थे ग्रामेरियन जिन्होंने एक ग्रामर बनाई थी संस्कृत के लिए। ही अरेंज द वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट इन स्पेशल ऑर्डर, इन्होंने एक कॉन्सोनेंट और वोवल्स को स्पेशल ऑर्डर में अरेंज किया और उनके फॉर्मूले क्रिएट किए जो कि हमें एलजेब्रा में देखने को मिल जाते हैं। ही यूज दीज टू राइट डाउन द रूल्स ऑफ द लैंग्वेज इन शॉर्ट फार्मूले, अराउंड 3000 ऑफ देम, ठीक है। इन्होंने फार्मूले, काफ़ी शॉर्ट फार्मूले लिखे थे। तो ये जैनिज्म के, बुद्धिज़्म के बारे में था। तो इस लेक्चर को एंड करते हैं यहीं पर, अगले वीडियो में हम जैनिज़्म के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू सो मच।